हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो क्लास 10 की सीरीज। ये चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये पार्ट 6 बना रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 5 बनाने के बाद काफ़ी बड़ी गैप हो चुकी थी, तो वीडियोस प्रोवाइड करने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 6 के अंदर। एक आपका मैं एनसीईआरटी बुक का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, राइट? मतलब 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 आते हैं वो आपको बता देने हैं, वो आपको फाइंड करना है। तो पहले तो मैं बता दूं कि मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये होता है कि 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स, राइट? अब 4 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? तो 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 24 आता है, 28 आता है, देन 32 आता है। वैसे आप 4 का टेबल पूरा ले सकते हो, 11, 12 तब तक, अब जहां तक जाना चाहो वहां तक, इन्फाइनाइट तक जा सकते हो, राइट? मतलब 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स आपको चाहिए। तो आपको मालूम है 10 और 250 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो तो हम नहीं पता कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लॉजिक लगा लेते हैं। 10 से शुरुआत करेंगे और 250 पे खत्म करेंगे। तो कैसे करना है, आप 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11, राइट? क्या 11 4 से डिविजिबल है? नहीं है। देन 12 4 से डिविजिबल है, राइट? 12 है वो 4 से डिविजिबल है। तो हमारा जो एपी का जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 12, राइट? एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 12, और यहां पे 12 के बाद आ जाएगा, 12 में आप 4 ऐड कर दीजिए क्योंकि आपको 4 के मल्टीपल चाहिए। तो देखो, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, टिल आपको कहां तक जाना है? 2 4 2 5 0। अब चेक कर लेते हैं, 2 5 0 4 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। हम 2 5 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24 10, ये डिविजिबल नहीं है। अब 249 को डिवाइड करते हैं, ये भी शायद से डिविजिबल नहीं है, 4 6, ये भी नहीं है। देन 248 को 2 से 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 and 4 2, राइट? तो हमारा जो आखिरी टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 248 बनेगा, राइट? मतलब ये हुआ हमारा फर्स्ट टर्म और ये हुआ हमारा लास्ट टर्म, राइट? अब मुझे ये ढूंढना है कि ये कितने नंबर्स होंगे, राइट? कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं 10 और 250 के बीच में। तो देखो, मुझे ये, मेरे पास इस सीरीज से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे पहले मेरे पास a इज इक्वल टू 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस आप देखो, 12 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 16 मिलेगा, 16 में 4 ऐड करने से 20 मिलेगा, तो डिफरेंस मुझे मिल गया 4, राइट? और जो मेरा लास्ट टर्म है, या मैं बोल सकता हूं an या लास्ट टर्म या l, दोनों का मतलब एक ही होता है, वो मेरा है 248, राइट? तो अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वहां से मैं क्या लगा सकता हूं, मेरे पास यहां पे an है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट? तो an है तो मैं an से इसका फॉर्मूला लगा लेता हूं, n-1 into d, राइट? अब an क्या है मेरे पास, 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 थी, प्लस n-1 मुझे मालूम नहीं है, और d की वैल्यू 04 थी, राइट? अब 248-12 कर लेता हूं, मैं इसको यहां पे लेके आता हूं, तो इज इक्वल टू n-1 into 04। अब ये इसको 12 माइनस करने से क्या हो जाएगा, 236 इज इक्वल टू n-1 into 4, ये यहां पे आ जाएगा 236/4 इज इक्वल टू n-1। ये सिंप्लीफिकेशन आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, 236 4 4 5 जा 20 3 6 4 4 8 जा 4 9 जा 36, राइट? तो ये हो गया 59, इसको आप कट कर दीजिए, तो हो जाएगा n-1। अब इस 1 को इधर लेके आता हूं, तो n 59 + 1 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 60। इट मीन्स n इज इक्वल टू कितना आया, 60 आया। इट मीन्स ये है
वो 60 नंबर का टर्म होगा, ठीक है। 60 नंबर पे 248 आएगा और फर्स्ट नंबर पे 12 आएगा। इट मीन्स अगर हम कहना चाहें तो 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहला मल्टीपल होगा 12 और आखिरी मल्टीपल होगा 248। और 248 का जो नंबर है, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो पोजीशन का नंबर है या कौन से नंबर पे है, तो वो है 60 नंबर पे। 60 नंबर पे आखिरी वाला 4 का मल्टीपल आएगा कौन, 248। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी है, आपको एनालाइज करके हुए चलना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं पार्ट 7 के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।